व्यूवर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाया सूप। सूप के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, एक हरी मिर्च कटी हुई, गार्निश के लिए धनिया पत्ता। गरम मसाले में हमें चाहिए एक तेजपत्ता, एक छोटी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 250 ग्राम पाया। चलिए इसे बनाते हैं। प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम में गरम कर लीजिए। उसमें एक बड़ा चम्मच घी या बटर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हमारा घी अब गरम हो चुका है, अब सारे सूखे मसाले डालेंगे। उसके बाद अब प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। हमें प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसमें पाया डाल देंगे। 1 से 2 मिनट बाद हमारा प्याज ऐसा हो गया है, अब इसमें पाया डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पाया डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम में कर देना। अब इसमें 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पाए का 4 टाइम्स ज्यादा डालना है, जैसे कि हमारे पास 250 ग्राम पाया है तो इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे और इस प्रेशर कुक करेंगे 1 से 1.5 घंटा। हो गया है, अब इसे चेक करते हैं कि कैसा बना। अब इसे छानते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे। ये रेडी है हमारा पाया सूप।